एक सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 11 का है, जहां पिछले 1.5 साल से पति से अलग रह रही पत्नी के ऊपर पति ने उस वक्त तेजाब की भरी हुई बोतल डाल दी जब पत्नी सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जा रही थी। दोनों ने 2 साल पहले मंदिर में शादी की थी। पत्नी से बच्चे ना होने के कारण पति ने उसे छोड़ दिया था। तभी से पीड़िता अपनी माँ के साथ रहकर कोठियों में काम करके अपना जीवन यापन कर रही है। अब पिछले 4 महीने से पीड़िता का पति उसका पीछा कर फिर से साथ में रहने के लिए परेशान कर रहा था, जिस पर पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया। गुस्साए पति ने अपनी ही पत्नी पर यह कहते हुए तेजाब डाल दिया कि तू अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। गंभीर हालत में तेजाब पीड़िता को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 5-6 महीने हम लोग साथ रहे, फिर उसके मम्मी पापा ने अलग करवा दिया क्योंकि मुझे कोई बच्चे की प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चे नहीं होते थे। घर वाले कहते थे तू उसका क्या करेगा रख के, हम तेरी किसी और से करा देंगे, अच्छी लड़की देख के इसको छोड़ दे। तो इसको एकदम से मेरे से अलग करवा दिया है। 1.5 साल से इसने मेरी कोई खबर नहीं ली थी, फिर 4-5 महीने से मेरे पीछे एकदम से पड़ गया। जब से मैं अपनी मम्मी पापा के घर गई, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। रोज धमकी देना, मारना पीटना, रास्ता रोकना, यही सब इसने किया मेरे। और आज सुबह कल इससे मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, मार पिटाई हुई थी, पत्थर वत्थर मारे मुरे थे इसने भी, मैंने भी खूब। आप क्या चाहते हैं? तुरंत जब 10-15 बाल्टी पानी डाल दिया अपने ऊपर। तो अब क्या चाहते हो? इसको सजा करवा दीजिए, पूरी जिंदगी ये जेल में सड़ेगा, ये भी और इसके घर वाले भी। इसके घर वालों ने भी मेरे साथ बुरा किया। आप इसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि इसने पहले भी आपको छोड़ के चला गया था? मेरे को छोड़ के गया हुआ है, और इसके कारण इसके घर वाले वही अलग करवाते हैं। देखो ये लड़का मेरी लड़की के साथ रहना चाहता था, इन्हें मंदिर में शादी कर ली, फिर 5-6 महीना मुश्किल से रहा उसके साथ। मेरी बेटी के बच्चे नहीं होते, इसके घर वालों ने उससे अलग करा दिया और ये छोड़ के चला गया। 1.5 साल से मेरी बेटी अकेली रह रही थी, फिर वो हमने बुला लिया अपने पास। क्या कोई भी नहीं, ना था इसका घर वाला रहा ना ये रहा, तो हमने अपने पास रखी है। अब ये ज़बरदस्ती इसके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं रखूँगा, लड़की रहना नहीं चाहती है। तो सवेरे काम करने आ रही थी कोठियों के सामने, इसने तेजाब उनको फेंक के भाग दिया। कहाँ शरीर में कहाँ तेजाब डला है? तेजाब सीने पर, तेजाब का सारा सीने पे, पीठ पे भी, पीठ पे भी, ये थोड़ा सा होठ पे भी गिरा। कोठी वालियों ने उसको जबरदस्ती उसको ढिला दिया, वहाँ तुरंत पानी डाला उसके। जिस तरह से पहले आपके बेटी के साथ दो बार रहकर दो बार छोड़ के चला गया, एक बार चला, अब 1.5 साल से लग रह रही थी, 1.5 साल से लग रह रही, तो खुद कमा खा रही थी, खुद कमा खा रही, अभी भी कोठी कमा रही, जब भी कराती। आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं जी इससे अलग होना चाहते हैं, और ये जेल में ही सड़े, और इसके भाई बंद भी जाना चाहिए। वो मेरे को आके धमकी देते थे कि मेरे भाई को लेके भाग गई थे। लड़का कहाँ का था, क्या करता? मुजेसर का रहने वाला है, और 22 सेक्टर में ये कौन सी पुलिस चौकी है, उसमें उसके बाप नौकर है, सफाई कर्मचारी है। लड़का क्या करता था? लड़का तो आवारा ऐसे घूमता है, आवारा गर्दी करता है, कभी किसी की लड़की को भगा लाता है, कभी किसी को मारता है। पहले जब मंदिर में शादी हुई थी तो इसीलिए छोड़ा था कि आपकी बेटी के बच्चे नहीं पैदा होते? हाँ जी, तो इसीलिए छोड़ दिया। और अब फिर पीछे पड़ गया? फिर पीछे पड़ गया, जब 1 साल छोड़ के चला गया तो दोबारा फिर पीछे पड़ गया जब हमारे पास आ गई। चौकी में था मैं, और टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर ई ब्लॉक में किसी व्यक्ति ने तेजाब डाल दिया। सूचना पाकर मैं मौके पर पहुंचा, जो मौके पर पता चला कि सेक्टर वासियों ने जो है महिला को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। वो सूचना पाकर मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, जो यहाँ पता लगा है कि महिला ने जो बताया है कि मैं 2 साल पहले नीरज के साथ मंदिर में शादी की थी, और अब उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो किसी कारणवश 6 महीने बाद जो है उसके घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया था। किसी कारणवश मेरा बच्चा नहीं होता था, इसके लिए मुझे छोड़ा था, जो उसके बाद मेरे को पीछा करता रहता था। फिर मैं कहता था कि मैं तेरे को किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, जो आज उसने, मैं घर से अपने काम करने के लिए कोठियों में आ रही थी तो मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? जो उसने ऊपर तेजाब डाल दिया है, उसको तेजाब डालने से काफ़ी इंजरी हुई है, उसके आगे और पीछे काफ़ी इंजरी हुई है। ये है तो संगीन जुर्म है, उसके तहत स्टेटमेंट ले ली है, कार्रवाई जारी है, एक टीम दबिश के लिए भेज दी गई है।